तो गाइस चलते हैं उधर और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों हमारे गांव में आज तीन चार दिन से जोरदार बारिश, और बारिश के बाद में हमारे गांव की जो सुंदरता होती है गाइस वो बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हो ये हमारा गांव नहीं जन्नत है, और दोस्तों ये है हमारे गांव की सुंदरता। आप पीछे देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कितना शानदार हमारे गांव में जो ये तालाब है हमारे गांव की सुंदरता बढ़ाता है। दोस्तों वो ये जो तालाब है जो यहाँ से पानी नीचे जा रहा है वो नजारा भी आप देख के एकदम दंग रह जाओगे, क्योंकि बहुत सुंदर और बहुत मनमोहन करने कर देने वाला एक नजारा है। और आप देख सकते हो सामने जो माता जी का मंदिर है और वहाँ से घंटे की आवाज आती है, ढोल नगारों की आवाज आती है। तो एक जो ये पास में सड़क है जो लोग गुजरते हैं वो देख के एक अपने आप को मतलब एक अंदर से आत्मा संतुष्टि मिल जाती है गाइस, क्योंकि ऐसे पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण और जो यहाँ की जो शुद्ध हवा है वो एक मन को शांति देने वाली है गाइस। तो ये हमारा गांव और गांव की सुंदरता बताएंगे दोस्तों आज, क्योंकि पास में मंदिर है उसके दर्शन कराएंगे, और उसके अलावा हम दोस्तों कराएंगे आपको जो पहाड़ के नीचे से पानी गिर रहा है वो सुंदर दृश्य आप सभी को वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों हमारा गांव कैसा लगा एक बार कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये गांव नहीं जन्नत है। आपके शहर में बहुत पर्यटक स्थल होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन हमारे गांव के सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे गांव की सुंदरता आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कितने शानदार जगह है ये। और गाइज आप ऐसे ही मत मानना इस जगह को, यहाँ पर विदेश से भी लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि पास में है होटल, उनके रहने की व्यवस्था है और वन विभाग द्वारा एक छोटी सी होटल है और उसके अंदर आपको हर सुख सुविधा मिल सकती है। तो गाइज उस होटल के बारे में बताएंगे कितने रुपए क्या है, और यहाँ के जो भी आप पास में देख सकते हो यहाँ के नन्हे मन्ने जो भी बच्चे हैं स्कूल ऐसा जो एक अलग नज़ारा है उनको शुद्ध हवा और एक एक सुंदर दृश्य जो सुंदर दृश्य सामने है उसका मजा लेते हुए पढ़ाई भी करते हैं। आप सभी को बताएंगे पास पास की विशेषता है, क्योंकि दोस्तों ये तीन चार दिन लगातार बरसात होने के कारण ये तालाब भर चुका है, और ये तालाब भरने के बाद में जो यहाँ की सुंदरता है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो आप देख के मालूम पड़ गया होगा आपको कि कितना सुंदर इलाका है ये, इसलिए हमारा मन है जो गाइस एकदम इस सुंदरता में डल चुका है, और इसीलिए हमारा जो ये हमारा गांव है ये एक जन्नत कहलाता है। हर किसी का गांव जन्नत होता है, लेकिन हमारे गांव की जो विशेषता है वो बताएंगे और आपकी शहर के मुकाबले हमारे गांव का मुकाबला कराएंगे, देखते हैं कौन है बेस्ट, क्योंकि आपके गांव में होते होंगे बहुत सारे घूमने लायक पर्यटक स्थल, लेकिन हम तो जहां घूमेंगे वहां एक पर्यटक स्थल बन जाता है, क्योंकि हमारे गांव में घर कम और आपको पेड़ पौधे ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि हम पर्यावरण को साथ में लेकर चलने वाले बंदे हैं। तो दोस्तों बताएंगे गांव में और भी जो हमारे आस पास के एरिए के जो भी छोटे मोटे घूमने लायक जगह है उसके बारे में बताएंगे, और यहाँ से ये रास्ता है मुख्य रास्ता जो हमारे कुछ ही मीटर की दूरी पर हमारे घर है, गांव है, तो उसके ऊपर जाता है। हम इस रास्ते से जाएंगे और आपको होटल भी बताएंगे, और यहाँ जो पानी गिर रहा है नीचे जो काल है इसके ऊपर से वो दृश्य एक सुंदर दृश्य है उसको बताएंगे। और दोस्तों मंदिर के ऊपर से आप सभी को भी बताएंगे जो इस तालाब और आसपास के क्षेत्र को पूरे को बताने की कोशिश करेंगे, तो गाइस चलेंगे वहाँ पर और बताएंगे आप सभी को। जब तक के लिए वीडियो में बने रहे। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं इस अंग्रेजी टाइम की होटल में, क्योंकि ये 1947 के अंदर इसका गठन हुआ था, और भाई ये है फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आज के टाइम। तो आप देख सकते हो भाई, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो यहाँ के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी तो नहीं है दोस्तों, जो यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी है वो घूमने के लिए आए हुए हैं, तो आपको प्लीज बताएंगे। और इनकी गाड़ियाँ और आप देखे यहाँ का जो व्यू है केंद्र मैच द्वारा बताया जाएगा। पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहाँ से एक अलग ही माहौल नजर आता है। आप देख सकते हो जो पानी गिर रहा है नीचे एक सुंदर दृश्य है,
उसके अलावा जो यहाँ से तालाब की सुंदरता है वो तीन गुना बढ़ जाती है दोस्तों। आप देखे अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे इलाका कवर हो रहा है यहाँ से, और आपको बताएंगे जो यहाँ से पानी धीरे धीरे गिर रहा है पास में जाके बताने की कोशिश करेंगे। गाइस पहुंच चुके हैं हम बिल्कुल पाल के ऊपर, और पीछे जो पानी की सुंदरता है आप देख के, सुंदर इलाका आप देख के मालूम पड़ गया होगा कि कितनी जन्नत से मुकाबला करने वाली ये जगह है। और हम ऊपर से और बताएंगे आप सभी को, चलो और पानी की रफ्तार बताते हैं आप सभी को। तो चलो भाई आगे चलो, मेरे को डर लगता है। हम पहुंच चुके हैं पहाड़ के ऊपर और देखते हैं ये बहुत खिसलन जगह है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बिल्कुल ना है, क्योंकि यहाँ पर गिरने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो आप इधर आप देख सकते हो कि यहाँ से गिर पाना मुश्किल बहुत है। तो गाइस ये है मंदिर, और मंदिर के ऊपर से जो दृश्य है वो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट्स में जरूर बताएं। और आप देख सकते हो ये है मंदिर, और मंदिर के पास में है ये तालाब, और तालाब के पास में दोस्तों ये जो सामने देख पा रहे हो ये है होटल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बता दें।